माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सीपी सिंह। आई शैल डिस्कस इन दिस लेक्चर लिक्विडेटेड डैमेजेज एंड पेनाल्टी मीनिंग एंड डिस्टिंक्शंस सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये निर्धारित कर लेते हैं कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होने पर कंपेंसेशन की का अमाउंट क्या होगा, तो ऐसा अमाउंट या तो लिक्विडेटेड डैमेजेज के रूप में होगा या पेनाल्टी के रूप में होगा। लिक्विडेटेड डैमेजेज क्या है? सम टाइम द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फिक्स्ड फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फेयर एंड जेन्युइन प्री एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबल डैमेज, सच एन अमाउंट इज नोन एज लिक्विडेटेड डैमेजेज। जब संविदा भंग होने पर, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होने पर कंपेंसेशन की का अमाउंट पॉसिबल नुकसान के इक्वल हो या कम हो, तो ऐसा अमाउंट लिक्विडेटेड डैमेजेज की कैटेगरी में आएगा और ऐसा अमाउंट पूरा का पूरा रिकवर किया जा सकता है। दूसरा है पेनाल्टी। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फिक्स फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फेयर एंड जेन्युइन एंड प्री एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबल डैमेजेज, बट इज दिस proportionate to the damages which may result in case of the breach of the contract, such an amount is known as penalty. Penalty क्या है? जब compensation का amount possible नुकसान से अधिक या बहुत अधिक हो, तो ऐसा amount penalty होगा जो वसूल नहीं किया जा सकता है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ये प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट केवल 25,000 का है और ये ब्रीच होता है तो ये कहती है पार्टी की 1,00,000 रुपया देना होगा जो ब्रीच करेंगे, तो ये क्या है? पेनाल्टी है। सेक्शन 74 में कहा गया है कि हालांकि इंग्लिश लॉ से थोड़ा डिफरेंट है, जब कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट का और कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की दशा में कंपेंसेशन का अमाउंट मेंशन्ड है या पेनाल्टी के बारे में कोई एनी अदर एग्रीमेंट है, तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का क्लेम करने वाली पार्टी से रीजनेबल कंपेंसेशन प्राप्त कर सकती है, भले ही उसे कोई नुकसान हुआ हो या न हुआ हो। परंतु कंपेंसेशन का अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड अमाउंट से अधिक नहीं होगा। जैसे 20 से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि यदि वह बी को एक निश्चित दिन 500 रुपये देने में असफल रहता है तो वह बी को 1,000 रुपये देगा। उस दिन बी ए जो है बी को 500 रुपया देने में असफल रहता है। यहाँ पर जो है ए से बी उतना कंपेंसेशन वसूल सकता है जितना कि कोर्ट रीजनेबल समझता है, परंतु किसी भी दशा में 1,000 से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार यदि कॉन्ट्रैक्ट डीड में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की इस दशा में क्षतिपूर्ति के रूप में डैमेजेज के रूप में ऐसा अमाउंट मेंशन है जो पेनाल्टी की नेचर का है, तो जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है, पीड़ित पक्षकार है, कंपेंसेशन उतनी रकम प्राप्त कर सकता है जितनी कि न्यायालय रीजनेबल समझता है।
जैसे गुरबख्श सिंह वर्सेस बेगम रेफिया 1979 केस है, 60,000 रुपए में जंगल के पेड़ों के बिक्रय का करार हुआ। कंट्रैक्ट डीड में यह भी मेंशन था यदि कोई पार्टी ब्रिज ऑफ एग्रीमेंट करती है तो दूसरी पार्टी की 50,000 जो है, दूसरी पार्टी को 50,000 जो है कंपेंसेशन देगा। न्यायालय ने इसे पेनल्टी मानते हुए प्लेंटिफ को हानि का सबूत देने के लिए कहा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ परिस्थितियों में जब हम मेंशन कर देते हैं कंट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में कितना अमाउंट देना होगा, तो जेन्युइन अमाउंट है तो वो लिक्विडेट डैमेजेज है, बहुत ज़्यादा नुकसान से बहुत ज़्यादा है तो वो जो है पेनाल्टी है। तो दोनों में डिफरेंस का आधार क्या हो सकता है? द स्टिपुलेशन इज कंसीडर्ड एज पेनाल्टी इफ इट प्रोवाइड दैट इंक्रीज इंटरेस्ट विल बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। सेक्शन 74 का एक्सप्लेनेशन 1 है कि जो कंडीशन जो कंट्रैक्ट डीड में स्टिपुलेशन दी हुई है, शर्त दी हुई है, उसको पेनाल्टी माना जाएगा यदि प्रावधान करती है कि डिफॉल्ट की तारीख से जो है इंटरेस्ट बढ़ा हुआ इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज देना होगा। जैसे हमने आपसे 10,00,000 रुपया उधार लिया है और 12% ब्याज पर हमने आपको हर 6 महीने पर देने के लिए प्रॉमिस किया है। कॉन्ट्रैक्ट आगे फिर यह प्रावधान करता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट द इंटरेस्ट रेट वुड बी पेबल एट द रेट ऑफ 75%। 12 से जो है 75% हो गया, टाइम पे नहीं कर पाए, ये क्या है? पेनल्टी है, ये पेनल्टी है और ये वसूला नहीं जा सकता है पूरा पूरा। सेकेंड है, द स्टिपुलेशन इज कंसीडर्ड एज पेनल्टी इफ प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट द मनी रिपेड शैल बी डबल ऑफ द मनी बारोड। एक कंट्रैक्ट में प्रोविजन है कि यदि डिफॉल्ट होता है तो जितना पैसा लिया उसको डबल देना होगा, तो उसको पेनाल्टी कहेंगे। जैसे 1,000 रुपया लिया है और 5 जनवरी को देना है, 1,000 नहीं दे पाए तो 2,000-3,000 देना होगा, डबल डबल से ज़्यादा देना होगा, तो इसको पेनाल्टी कहेंगे। ये बारोड रुपीज 1,000 फ्रॉम बी एंड गेव हिम ए बॉन्ड फॉर रुपीज 2,000 पेबल बाय 5 ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 400 ईच। द कंट्रैक्ट फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 बिकम्स ड्यू। दिस इज ए स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, इसको पेनाल्टी कहेंगे। थर्ड है, सब स्टिपुलेटेड इज कंसीडर एज पेनाल्टी इफ इट रीजनेबली लार्ज एज कंपेयर्ड विद द लॉस लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। जितना नुकसान हुआ उससे बहुत अधिक जो है अमाउंट यदि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की टाइम पर देना हो तो इसको पेनाल्टी मानेंगे। ए कंट्रैक्टेड टू बाई सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी फॉर रुपीज 10,000। कंट्रैक्ट फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ ए रिफ्यूज टू एक्सेप्ट गुड्स ही वुड पे रुपीज 50,000 टू बी एज डैमेजेज। इन दिस केस द अमाउंट फिक्स्ड एज डैमेजेज इज अनरीजनेबल एंड दस इन पेनल्टी। एंड लास्ट है, द सम स्टिपुलेटेड इज कंसिडर्ड एज पेनल्टी इफ इट ग्रेटर देन दैट बारोड सम ऑफ द रिपेड। जितना अमाउंट हमने दिया है उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे डबल देना पड़ेगा, डबल से ज़्यादा देना पड़ेगा, इसे भी जो है पेनाल्टी मानते हैं। तो ये मेनली जो है कुछ डिफरेंस थे पेनाल्टी पेनाल्टी और लिक्विडेट डैमेजेज में। जो नेचर जो रिलेटिंग नेचर भी कह सकते हैं, जो पूर्व निर्धारित संविधान द्वारा निर्धारित उचित हानि की पूर्ति की जो है पूर्व माप है, जब पेनाल्टी दंडात्मक प्रकृति की होती है और शेष धनराशि निश्चित नहीं होती है।
क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि पूर्वनिर्धारित तिथि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में न्यायालय निश्चित की गई धनराशि के लिए आदेश नहीं दे सकता। प्रायः निश्चित की गई धनराशि के लिए आदेश देता है, जबकि शास्त्र के अंतर्गत न्यायालय ने अपूर्व निश्चित धनराशि दिलाना आवश्यक नहीं होता है तो वो उसे कम कर सकता है पर बढ़ा नहीं सकता। और लास्ट है संबंध संबंधी, पूर्व निर्धारित क्षण द्वारा वह निश्चित धनराशि होती है जो पक्षकारों की भी संबंध से तय की जाती है और उल्लंघन में भी क्षण के अधिक नहीं होनी चाहिए। जब शास्त्रीय पेनाल्टी की रकम संविदा उल्लंघन में हुई हानि से बहुत अधिक होती है। तो ये था आपका लिक्विडेट डैमेजेस एंड पेनाल्टी। थैंक यू वेरी मच। आज जो है कॉन्ट्रैक्ट हमने समाप्त कर दिया।